हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए देखिए, आज हम दाल गोश्त दालचा बनाने जा रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स आप देख लीजिए, 1 किलो हमने बड़े का गोश्त लिया है यहाँ पर। और उसके लिए ये देखिए, 4 मीडियम साइज़ की प्याज हमने काट ली है, छोटी छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। और ये देखिए, एक लौकी है और ये मिर्ची पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है। एक ये लौकी है इतने बड़े साइज़ की, 1 किलो पूरी लौकी है, क्योंकि 1 किलो गोश्त है। तो उसमें हम अभी ये देखिए, 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, और ये देखिए ये 6 टमाटर हैं, ये पुदीना है, ये हरा धनिया है, ये देखिए ये हरी मिर्च है। तो अभी हम ये सब चीज़ें पीस लेंगे और इसको काट लेंगे। गाइस, हमने कुकर में तेल डाल दिया है, इसमें हम प्याज डालने जा रहे हैं। अभी हमने इसमें ये देखिए प्याज डाल दी, प्याज को हमने धो लिया था काट के। अभी हमने इसमें ये प्याज डाल दी है। अब हम आपको, जब तक ये मेरी प्याज ब्राउन हो जाती है तब तक हम सारा मसाला पीस लेते हैं, फिर उसमें क्या क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, वो हम आपको दिखाने बताएं। थोड़ी हमें सर्दी हुई है, मेरी आवाज़ जो है बैठ गई है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई आज हमें। तो देखिए ये प्याज हल्की हल्की ब्राउन हो गई है, पूरी तरह से नहीं हुई है। तो बस अब हम इसी में गोश्त डाल देंगे। चलिए गोश्त दिखा रहे हैं आपको, ये गोश्त का पानी पूरा निकल आया, निकाल लिया है धो के। देखिए गोश्त डाल दिया है, अब हम थोड़ा सा गोश्त को जो है लाल कर लेंगे तेल में, फिर हम इसमें अदरक लहसुन और बाकी के मसाले डाल के आपको दिखाएंगे। ये गोश्त को हमने भून लिया है तेल में डाल के, तो ये गोश्त ने जो है इसमें देखिए ये पानी छोड़ दिया है, तो हम इसमें पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। अब हम इसमें जो है देखिए ये मसाला जो था ये पूरा डाल देंगे इसमें। और ये देखिए ये 2 चम्मच, ये भाप निकल रही इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है। ये देखिए इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल देंगे। और जो है ये देखिए ये टमाटर काट लिए हमने, 6 टमाटर थे, इसको डाल देंगे इसी में। और ये 3 तेज़ पत्ते हैं, इसको भी डाल देंगे। ये देखिए ये भी डाल दिया अभी हमने। अब हम इसको जो है इसको मिला लेंगे और बस इसमें हम ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन लगा के गोश्त गला लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे इसमें और क्या क्या डालना है। मिर्ची, पुदीना, हरा धनिया, तो ये भी इसी में ऐड कर देंगे। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। देखिए दाल गोश्त में दाल ना डले ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो हमने उसके लिए ये मसूर की दाल ली है। ये देखिए आप अपने अंदाजे से ले लीजिएगा। और चने की दाल की आधी मसूर की दाल है ये, हम इसमें तुअर की दाल नहीं डाल रहे हैं, ज़्यादातर तुअरी की दाल पड़ती है, लेकिन हम बावर्ची स्टाइल दाल गोश्त बना रहे हैं तो उसमें चने की ही दाल पड़ेगी। तो ये देखिए चने की दाल है, बस अभी हम इसको मिला के धो लेंगे। गोश्त में कैसे डालना है और गर्म मसाला वगैरह कैसे डालना है वो हम अभी आपको बताएंगे, गोश्त जब गल जाए। ये देखिए ये जो है हमने इसमें 7 सीटी लगाई है, ये गोश्त गल गया है, इसको ज़्यादा हमको कराना, ज़्यादा गलाना भी नहीं था, थोड़ा ही गलाना था इसको, क्योंकि दाल में भी ये पकेगा अभी। तो ये देखिए ये इतना गल गया है ये, और जो है बस हम ऐसे ही रखेंगे इसको, क्योंकि अभी हमें इसको दाल में भी पकाना पड़ेगा। तो इसमें देखिए तेल इसने छोड़ दिया है गोश्त ने, तो समझ लीजिए ये बिल्कुल भुन गया है। अब हम ये इसको जो है इस पतीली में पलट लेंगे इस तरह से। गोश्त ज़्यादा है तो ये कुकर में आएगा नहीं, तो देखिए हम इस तरह से पलट लेंगे। और ये देखिए यही गोश्त का कुकर है, इसी में हम ये चने की दाल हमने जो आपको दिखाई थी दोनों दालें, तो मसूर की दाल अभी नहीं डाली है, चने की दाल है। पहले हमको चने की दाल गलाना है बिल्कुल, ये बावर्ची स्टाइल दाल गोश्त बन के तैयार होने वाला है, ये बहुत ही टेस्टी। तो ये चने की दाल है, इसको हमने डाल दिया है इसमें कुकर में। अब पहले हम इसमें जो है सीटी ले लेंगे, 6 सीटी लेंगे, 6 सीटी में दाल चने की बहुत परफेक्ट गलती है। देखिए इसमें हमने 2 गिलास तक के इसमें पानी डाल दिया है, और इसमें अभी हम कुछ भी नहीं डालेंगे, बस सिर्फ ढक्कन लगाएंगे और इसको
छः सात से सीटी लेंगे इसमें छः सात, फिर इसको हम आपको दिखाएंगे और जो है उसके बाद इसमें मसूर की दाल डालेंगे, फिर सब दिखाएंगे और गरम मसाला भी अभी आपको बताना बाकी है पीसने के लिए। तो देखिए ये गोश्त मेरा एकदम अच्छे से तर हो गया है, बस हम इसको रख देंगे ढक के, अब जब दाल गल जाएगी जब आपको दिखाएंगे। हेलो गाइस, तो देखिए ये हमने चने की दाल गला ली है, इसमें करीब करीब हमने 7-8 सीटी लगाई है क्योंकि हमको इसको बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा गलाना है। और देखिए ये मसूर की दाल है, अब हमने इसको मसूर की दाल धो के इसी में डाल दी है। ये देखिए ये सब मसूर की दाल हम इसी में डाल देंगे और अब हम इसमें एक गिलास पानी डालेंगे। आप अपने हिसाब से भी पानी डाल सकते हैं दाल गलने तक के लिए। तो ये देखिए हमने एक गिलास पानी डाल दिया है इसमें, अब हम इसमें ढक्कन लगा दिया हमने कुकर में और इसको गैस पे रख दिया है। चलिए देखिए ये मेरा खड़ा गरम मसाला है, इसको हम पीस लेंगे। इसको कैसे डालना है वो हम आपको इसको, ये देखिए दालचा में सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ये होता है धगड़ का फूल, इसको जब तक नहीं डालेंगे तो दाल में वो मज़ा नहीं आता है। तो ये देखिए हम इसमें ये इतना डालने जा रहे हैं दाल में, ये देखिए देखिए ये इसमें डाल दिया इतना, और इसको ज़्यादा भी नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही डालना है, अगर इसको ज़्यादा डालेंगे तो दाल काली हो जाएगी। तो बस अब हम इसको 2 सीटी लेंगे फिर हम आपको सब चीज़ दिखाएंगे। देखिए गाइस दाल गल गई है, मसूर की चने की दोनों दाल गला ली हमने इसमें, और ये देखिए ये गोश्त है, ये गाइस गोश्त तो मेरा पहले ही से भून के रखा हुआ था हमने, तो ये दाल हम इसमें डाल देंगे और ये दाल इसमें डाल दी है। और ये देखिए धनिया, हरी धनिया और पुदीना तोड़ के काट लिया, हरी मिर्च है इसमें, अक्खी हरी मिर्च है कड़ी, इसको धो लिए, इसको भी इसमें डाल देंगे। और ये देखिए गाइस, ये देखिए ये लौकी थी, इसको छील के काट लिया है, इतने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है, तो इसको भी इसी में डाल देंगे। इसको भी इसी लौकी को, हरी धनिया, पुदीना सब इसी में डाल दिया, दाल भी डाल दी। और ये जो आपको खड़ा गरम मसाला दिखाया था ये वो है, इसको हमने पीस लिया है, इसको भी इसी में डाल दिया है। और अब देखिए इसमें जायके के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और जो है ये देखिए इसको मिला लेंगे और इसको अच्छे से इसको अभी लौकी को, लौकी गलने तक के इसको पकाएंगे और इसमें थोड़ा पानी भी इसमें डालेंगे। ये करीब करीब इसमें 2 गिलास और पानी डालेंगे और इसको अभी लौकी गलने तक इसको पकाएंगे, तब फिर ये मेरा दाल गोश्त बनके बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी दाल गोश्त बनके तैयार होएगा। चलिए अभी लौकी गल जाएगी तो फिर हम आपको इसको दिखाएंगे। तो देखिए गाइस दाल गोश्त बनके तैयार हो गया है, दालचा, इसको दालचा भी बोलते हैं, दाल गोश्त भी बोलते हैं, बहुत ही टेस्टी दाल गोश्त बना है। ये देखिए ये बहुत अच्छा दाल गोश्त बना है। चलिए देखिए ये अब तैयार हो गया, अब हम इसको आपको प्लेटिंग करके दिखाएंगे। तो सो गाइस देखिए मेरा दाल गोश्त बनके बिल्कुल तैयार हो गया है, ये देखिए कितना टेस्टी बना है, बहुत ही अच्छा बना है। और इसको बकरे हुए चावल के साथ हम लोग खाएंगे, तो इसके लिए बघारे हुए चावल खाए जाते हैं, बघारे हुए चावल के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको चाहिए तो आप तंदूरी रोटी से भी खा सकते हैं, पाव से भी खा सकते हैं, नान से भी खा सकते हैं, लेकिन ये तंदूरी रोटी और बघारे हुए चावल के साथ बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी लगता है। प्लीज़ गाइस, चलिए देखिए हम आपको खा के दिखाते हैं, बहुत ही लजीज बना है, बहुत अच्छा बना है।